इसलिए शुक्रवार को। देखिए अब इसी से समझ लीजिए कि खेसारी कितना वर्क करता है। किसी के पास फिल्म रिलीज करने के लिए नहीं, किसी हीरो की फिल्म तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, और खेसारी कितना मेहनत करता होगा कि लगातार उसकी फिल्म रेडी है, लगातार उसके गाने रिलीज हो रहे हैं। तो समझिए कि अपने जनता के लिए कितना मेहनत करता हूँ मैं। ये नहीं कि खेसारी की कार आज भी फिल्म है यार कल भी फिल्म है, मैं उतना वर्क करता हूँ, जबकि एक फिल्म को बनाने में कम से कम 3 से 4 महीने लगता होगा। और सोचिए कि एक आदमी इतना मेहनत करता है कि उसके फिल्म हॉल खाली नहीं हो रहा है और रिलीज के लिए तैयार है। और यहाँ बाकी बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी फिल्म रिलीज तक नहीं हो पा रही है क्योंकि वो रेडी ही नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस प्रोड्यूसर का काम करूँ वन शेड्यूल में काम कर दूँ ताकि वो अपना काम करे, फिर मैं किसी और का करूँ, फिर भाई वो अपना फिर दूसरा काम करे। अगर मैं एक ही सिनेमा को 1 साल तक लटका के रखूँगा तो मुझे लगता है कि ना वर्करों को टाइम से पैसा मिल पाएगा, ना प्रोड्यूसर खुश रहेगा, ना डायरेक्टर खुश रहेगा, ना संगीतकार खुश रहेगा, ना डिस्ट्रीब्यूटर, कोई खुश नहीं रहेगा। अगर हम एक काम को लटका कर 2 साल रखेंगे तो सर किसी को पेमेंट कहाँ से मिल पाएगा? तो उसमें वर्करों का घर बर्बाद होता है, वर्कर घर बैठ जाते हैं और फिर वर्कर कहीं और चले जाते हैं, फिर वो सिनेमा शुरू होता है तो वर्कर वहाँ पहुँचते नहीं, उनका पेमेंट नहीं मिलता। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं वन शेड्यूल में लोगों का काम करके और लोगों के दिल में हमेशा रहूँ, इसलिए ज़्यादा बिजी हूँ और ज़्यादा काम भी करता हूँ। मैं 22 घंटे तक काम करने लगता हूँ, कभी 72 घंटे काम करता हूँ। तो ये लोगों का प्यार ही है, और मेरे पास ताकत है या नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों का दिया हुआ ऊर्जा मेरे पास इतना ज़्यादा रहता है कि मैं कभी थकता नहीं। बबली गर्ल जो इसमें है, बबली गर्ल बाबजी में नजर आने वाली है साथ में, और लव दोस्त भी कल गाना रिलीज होने वाला है। हाँ, अब बाबजी एक बहुत खूबसूरत एक बाप बेटी की कहानी है, और पिता और पुत्र के बीच में क्या संबंध होता है जो बाबजी जो देखेगा उसको समझ में आएगा। हमें लगता है कि हमारे पिता हमारे लिए कभी सोचते नहीं, हमारे लिए गलत करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद समझ में आता है कि इस दुनिया का कोई भी पिता अपने बेटे के अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं। जो आदमी अपने पिता का कदर नहीं करता होगा बाबजी देखने के बाद जरूर करेगा, क्योंकि बाबजी ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है और बाबजी एक बहुत खूबसूरत सिनेमा बनी है। और उसमें रितु सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देव पांडे जी बहुत अच्छा डायरेक्ट किए हैं, गोविंदा जी उसमें प्रोड्यूसर हैं, और सारे लोग जिन लोगों ने उसमें काम किया है, हमारे प्रिंस भाई उसमें कैमरामैन थे, तो जितने लोगों ने काम किया सबका काम बहुत बेहतर है। और मुझे लगता है संभावना दीदी ने इतना अच्छा बेस्ट काम किया है, आइटम सॉन्ग किया उसने तो लगातार, उसमें के गाने भी बहुत अच्छे हैं, सबका काम बहुत अच्छा है। जो जो आर्टिस्ट उसमें काम किया है सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और बाबजी देखने के बाद सच में मैं बोल रहा हूँ, ये दिल से बोल रहा हूँ कि जिसको अपने पिता का कदर नहीं होगा वो अपने पिता का कदर जरूर करेगा। और हर पिता को भी देखना चाहिए बाबजी कि अपने बेटे को सुधारने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हो, और एक बेटा उस बात को नहीं समझ पाता है और गलत कदम उठा लेता है, और बाप के जाने के बाद बेटा को समझ में आता है कि नहीं मैं गलत था, और बाप जब बेटा भाग जाता है तो बाप को लगता है कि मैं गलत था, लेकिन गलत कौन होता है वो सिनेमा देखिएगा तो पता चलेगा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।